नमस्ते बोलो तो मैं सत्यनारायण गणेश शॉप राखी भी मिलता है मेरे घर पतंग भी मिलता है। फेस्टिवल हर सीजन का मैं का बिजनेस करता हूँ। मैं झूलपट सत्यनारायण शॉप आप यूट्यूब पर मार के देखो आप मैं पूरा जलम गुल्ली निकलता है आपको कारो बिजनेस की हद तक ठीक है। स्टार्टिंग रेट में आप बता रहा हूँ ये देखो ये अपने को 35 पड़ता स्टार्टिंग रेट। ए रोहित हेलो ये 55 रेटा नहीं डाले क्या ये 80 यहाँ पर नहीं डाले देखो देखो ये तुम्हारा कहेगी 140 पड़ता ये वाला कहेगी 220 हाँ मामा है खाते थे ये 260 का है निकल के बताओ कवर ये 550 ला रहे आइसक्रीम दे रहे और ये कहेगी तुम्हारा कहेगी हल्का उसमें आवाज़ जाता ये तुम्हारा कहेगी 550 पड़ता 550 पड़ता है ये सुनो कितने फीट तक बनाते ये देखो ये साल कहेगी प्लास्टर बंदे बंदे बोल के ज़्यादा माल नहीं बना क्योंकि मट्टी में ज़्यादा लोग कॉपरेट कर रहे हमारे यहाँ के गवर्नमेंट नए बनाना बोल के हमारे को थोड़ा पैक कर दिए इसलिए ये साल कहीं माल ज़्यादा नहीं बना कहने जी ज़्यादा नहीं बने। अब देखना है किस घर में क्या प्रॉब्लम मतलब बिठाने के लिए कितना परेशानी होती है तो पता नहीं। हमारी गवर्नमेंट जो है हमारी एक तरीके की नहीं है हमारे हिंदू धर्म को थोड़ा नीचे करने के चक्कर में समझे ना आप। हम सब हिंदू मिलकर हम सब एक होकर अगर इसके लिए आवाज़ उठाए तो होता नहीं तो मामले से मुट्ठी भर के लोग हमारे 100 करोड़ लोगों को परेशान कर डाल रहे हमारे खुद के लोग सीटी खातिर हमारे को दबा दे रहे। तो ये गणेश जी ऐसे सिद्धि विनायक जो है हमारे को हर साल में हम लोग आगे कि एक 10-11 दिन बिठाने के पूजा करके कहेगी हम लोग कहेगी 10-11 दिन पूजा करके उसकी जय जयकार करके भगवान का हम लोग आशीर्वाद लेते हैं वो भी नहीं करना बोल के बोल रहे हमारे को। हाँ समझता हूँ कि प्लास्टर का थोड़ा प्रॉब्लम है ये भी मैं मानता हूँ। हाँ अच्छी बात है थोड़ा समय देना ये प्लास्टर हल्का हल्का हम लोग बंद करने के लिए थोड़ा समय देना हमारे को। मिट्टी का भी हम लोग बनाना है ये धूलपेट में ऐसी कलाकारी है जैसे कि गणेश बनाते हैं हम लोग माता जी बनाते हैं लक्ष्मी माता जी बनाते हर चीज़ बनाते हैं हम लोग समझे ना। बड़े बड़े मूर्या जैसा कि कोई आदमी जैसे कि सीएम से जैसे कि कोई बड़ा प्रधानमंत्री कोई मर गया समझो जैसे इंदिरा गांधी मर गए राजीव गांधी पप्पू ये लोग मर गए तो भी हम उसके स्टैचू बनाने के लिए लोग धूलपट के लोग बनाते हैं उसको समझे ना। तो ये प्लास्टर के ही बनाते अब बताओ मेरे को कोई मर गया सीएम तो उसकी मूर्ति लगाना है तो क्या पत्थर की बनाते क्या इसकी तो बनाना पड़ता ना हमारे को दिमाग नहीं आप लोग बोलो मेरे को हमारे धर्म को ख़त्म करने की प्लान है इनका समझे ना आप। ये कॉपरेट करना हम हिंदू बाबू बहुत जरूरी है ऐसा होना हमारी पूजा पाठ को भी तकलीफ दे रहे हम लोग हमारे आपस के लोग हमारे कोई सीट के खातिर सीट में क्या ऐसा लगा हुआ है बताओ सीट के खातिर हमारे धर्म को पीछे कर दे रहे ठीक है ना। तो अपन तो अब देखे ना अब ये साधन तो बताया मैं आपको ये इतनी मेहनत लगती है गणेश बनाने के लिए एक गणेश मट्टी मिला लेके बनाने में हमारे को 10 से 15 बार हाथ को आता जब एक गणेश तैयार होता मट्टी गणेश तो है ही अपने मट्टी का भी तो कॉपरेट करना जरूरी है ना हल्का का थोड़ा टाइम देना भाई हमारे को हम मट्टी का भी बना देते देखो देखिए ना मट्टी का भी बनाते हैं हम लोग मट्टी का रेट क्या है। हाँ इसमें छोटा एक छोटा सा मट्टी का छोटा सा दो समझे ना यहाँ से स्टार्ट है छोटा साइज अपने को मिला बेटा पूरा गोदाम रहता कितनी क्वांटिटी ना क्वांटिटी लेने वाले के ऊपर रहता है उतना उतर रहता है कम मार्जिन में धूलपेट सत्यनारायण शॉप सभी को वेलकम मेरे हिंदू भाइयों को मैं जी जान से मैं वेलकम करूँगा धूलपेट में समझे ना। देखिए ना आप ये छोटा सा है ये सिद्धि विनायक ये आपको कहेगी 35 पड़ता है ये ठीक है और इससे बड़ा वाला कहेगी देखे ना ये आप भी देखो ये वाला ये 55 पड़ता है। मैं होलसेल में बोल रहा हूँ सिर्फ 2-4 हमारी मेहनत के पैसे रहते देखो इनको मैं इनको बेचता नहीं मैं अगर इनको मैं बेचता हूँ तो मेरे को बेच डालते ना भगवान मैं बिजनेस ठीक है ना। तो क्या है अपन इसको कस्टमर ले आ गया 55 में हम लोग देते कस्टमर ले आ गया 120-150 में 140 में क्या बेचता है वो तो पता नहीं हम सिर्फ 2-4-5 रुपये कारोबार कर लेते ठीक है ना। दो इससे बड़ा भी थोड़ा तैयार हो रहा है आधा दिन बारिश गिरा ना तो उसमें थोड़ा माल नहीं बनता ये
इससे बड़ा थोड़ा टाइम गया तो मेरे को वही माल बन जाता आप कस्टमर को, आप इसको रिपीट कर सकते हैं। मैं झूल पर सत्यनारायण, सभी को वेलकम, थैंक यू।